सब्सक्राइब करें ऑटो मशीन इंडिया यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन के बटन को दबा लें लेटेस्ट टेक्निकल मशीन्स वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। दोस्तों नमस्कार, आज आपको जानकारी दूंगा बैटरी बिजनेस के बारे में। अगर आप नई बैटरी सेल करना चाहते हैं अलग तरह कंपनी की, और अगर आप डीलरशिप लेना चाहते हैं वो कैसे मिलती है, आपको बैटरी बिजनेस स्टार्ट करने कितना इन्वेस्टमेंट चाहिए, कितना एरिया चाहिए, और उसके साथ साथ आपको बताऊँगा बैटरी चार्जिंग सिस्टम आप ओपन कैसे कर सकते हैं उसके बारे में आपको बताऊंगा। इसलिए वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक सुनते रहो, बहुत ही ज़्यादा काम की वीडियो आपके लिए। सबसे पहले दोस्तों आपको मैं बता देता हूँ, अगर बैटरी बिजनेस आप स्टार्ट करना चाहते हो स्टार्टिंग में, तो आपके पास 3 से 4 लाख की इन्वेस्टमेंट होनी चाहिए और आपके पास एरिया होना चाहिए 100 स्क्वायर फिट का, जहाँ पर आप अपनी बैटरी रख सकते हो और उसके बाद चार्जिंग सिस्टम भी ऑन कर सकते हो। और मैं आपको बताना चाहता हूँ, स्टार्टिंग में आपके पास इन्फॉर्मेशन भी होनी चाहिए बैटरियों के बारे में, अलग अलग कंपनियों की, जैसे अमेज़न होगी, फ्लिपकार्ट की है, और हमारी ल्यूमिनस की बैटरी भी आती है, और हमारी एक्साइट की अच्छी कंपनी है, तो अच्छी कंपनी के जो बैटरी होती है उनके बारे में पता होना चाहिए। इन्वर्टर की बैटरी कौन सी होती है उसके बारे में पता होना चाहिए, गाड़ियों के लिए बैटरी कौन सी होती है वो उसके बारे में इन्फॉर्मेशन भी होनी चाहिए, टू व्हीलर फोर व्हीलर की बैटरी कौन सी होती है और कितने mAh की होती है उसके बारे में भी आपके पास इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए, तब उसके बाद आप बैटरी का बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो। आपको इन्वेस्टमेंट बता दी, एरिया बता दिया कितना चाहिए, और उसके बाद अगर आप अकेले बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हो तो नहीं होगा, उसके साथ आपको एक हेल्पर भी चाहिए होगा, मतलब एक एम्प्लॉय भी चाहिए होगा जो आपकी बैटरी उठा के इधर से उधर रखेगा, और भी बहुत सारे काम होते हैं बैटरी को रखने का, ले जाने का, और आपके माल को पहुँचाने का, तो बहुत सारे काम होते हैं, उसके लिए आपको ही के पास स्टार्टिंग में एक एम्प्लॉय होना चाहिए। आपको मैंने इसके बारे में बताया, और अगर आपको किसी भी बड़ी बड़ी कंपनी की डीलरशिप चाहिए बैटरी की, एक्साइड की, अमेज़न की, तो वो इतनी आसानी से नहीं मिलती, क्योंकि वो पहले सिक्योरिटी मांगते हैं, क्योंकि बड़ी बड़ी कंपनी की जो डीलरशिप होती है, पहली जो अमीर लोग होते हैं और जो उनके पास जान पहचान होती है वो ले लेते हैं, क्योंकि वो अच्छे खासे पैसे होते हैं, इन्वेस्टमेंट देकर सिक्योरिटी लेते हैं, और उसके बाद GST नंबर चाहिए होता है, तो उसके बारे में उसके आपके वो सब चीज़ आपके पास होनी चाहिए। अगर आपके पास सिक्योरिटी देके आपके पास डीलरशिप मिल जाती है और GST नंबर है, तो आप इसका बिजनेस किसी बैटरी की कंपनी का आप डीलरशिप ले सकते हो और उस कंपनी की सारी बैटरी आप सेल कर सकते हो। तो इसलिए आपको जब आप इतना नहीं कर पाते तो आपको दूसरी उन्हीं डीलर से आपको बैटरी खरीदनी पड़ती है, तो आप उसमें ये होता है आप हर तरह की बैटरी को खुद सेल कर सकते हो, आपके पास ये अथॉरिटी होती है और अपनी अपनी दुकान में उनको रख सकते हो, और उसके साथ साथ आप चार्जिंग का स्टेशन भी खोल सकते हो, जैसा आपको मैं दिखा रहा हूँ वीडियो के अंदर, ऐसे पैसे कमा सकते हो, एक बैटरी चार्ज करके 100 रुपये 150 रुपये के आसपास आप ले सकते हो, और आप जो स्क्रैप बैटरी है उसका भी काम चालू कर सकते हो साथ में, जैसा आप यहाँ पर देख रहे हो पूरा सेटअप आपने देखा। जैसा आपने चार्जिंग स्टेशन को देखा और उसमें आपने बैटरी वाटर को भी देखा, आपको बैटरी के साथ बैटरी वाटर भी बेचना होगा, क्योंकि बैटरी में जब से ज़्यादा प्रॉब्लम आती है, बैटरी वाटर ख़त्म हो जाता है तो वो डिस्चार्ज हो जाती है, उसकी दिक्कत आती है, तो बैटरी वाटर भी आपको उसके साथ सेल करना है। और मैं आपको बताना चाहता हूँ, जब आप बैटरी बेचते हो तो आपकी वन टाइम आप नहीं बेचते, क्योंकि बैटरी की गारंटी होती है 3 से 4 साल, तो आपको 3 से 4 साल तक कस्टमर को सर्विस प्रोवाइड करनी होती है, तो आपको बस उसको कंटिन्यू सर्विस देनी होती है, तो इसलिए आपको अच्छी स्टार्टिंग में जब बिजनेस स्टार्ट करते हो तो आपको अच्छी कंपनी बैटरी देनी है, जैसे अमेज़न होगी, एक्साइड होगी, और ल्यूमिनस होगी, और फ्लिपकार्ट की भी बैटरी आप ले सकते हो, पर आपको अच्छी अच्छी कंपनी जो ब्रांडेड कंपनी है उनके नाम से अपनी दुकान को आगे बढ़ाना है, क्योंकि वो कस्टमर स्टार्टिंग में आएगा तो आपको तो नहीं जानता, पर आपकी जो बैटरी कंपनी है उसको ज़रूर जानता है, तो इसलिए वो आपसे बैटरी लेगा, अगर एक्साइड की है, अमेज़न की, अच्छी कंपनी की, तो वो उसको लेगा, और उसके बाद उसकी सर्विस, उसके बाद आपको धीरे धीरे 1 साल हो जाएगा, तो आपको के बारे में, दुकान के बारे में लोगों को पता लगेगा, तो वो आप तब उसके बाद आप और किसी कंपनी की बैटरी सेल कर सकते हो और अच्छा खासा बेनिफिट कमा सकते हो। हर बैटरी पे आपको अलग अलग कंपनी इन्वर्टर बैटरी पे 40% का आपको मौका मिला होता है, मिलता है, ताकि आप उसमें से 20% कमाओ या 30% कमाओ, तो वहाँ पर डिपेंड करता है, साइड करना होता है कि कितने के हिसाब से आपको बेचना है। उसके बाद आपने चार्जिंग स्टेशन देखा, बैटरी सेलिंग में हमें थोड़ी बहुत दिक्कत देखने को मिल जाती है कि हमारी बैटरी सेल नहीं हो रही, पर चार्जिंग स्टेशन में हमें सीधे सीधा हमें बेनिफिट होता है, हमें चार्जर टू व्हीलर का चार्जर हमें 5 से 6 हज़ार के रेंज में स्टार्ट हो जाता है, वो ले सकते हैं जिससे हम बैटरी चार्ज कर सकते हैं, और फोर व्हीलर की गाड़ी का हम बैटरी चार्जर स्टार्ट करना है तो अगर लेना है तो वो हमें मिलता है
15 से 16 हज़ार की रेंज में वो स्टार्ट हो जाता है, तो आप फोर व्हीलर का बैटरी चार्जर भी ले सकते हैं और उससे सीधा सा बेनिफिट कमा सकते हैं। पर आपके पास बैटरी भी होनी चाहिए, बहुत सारी अलग अलग कंपनी की भी होनी चाहिए, ताकि आप जो कस्टमर मांगे वो आप उनको प्रोवाइड कर सको। अगर डीलरशिप चाहिए तो आपके पास अच्छी खासी सिक्योरिटी होनी चाहिए, पैसा देना पड़ेगा आपको, रजिस्ट्री नंबर होना चाहिए, तब आप अपनी दुकान को ओपन कर सकते हो। तो ये सब चीज़ें हैं जिसके बारे में आपके पास अच्छी खासी इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए, ताकि आप अपने बैटरी का बिजनेस स्टार्ट कर सको। और उसमें बहुत ज़्यादा पैसे हैं, अगर आप अच्छी से बैटरी सेल करते हो और चार्जिंग स्टेशन ओपन कर लिया तो आप उसके साथ सोलर सिस्टम भी आपने प्रोवाइड करवा सकते हो। बहुत सारी जगह पर सोलर सिस्टम की ज़रूरत पड़ती है, तो वो भी आप दे सकते हो। और अगर गाड़ी के फील्ड में स्टार्ट किया तो आप सेल्फ अल्टरनेटर को रिपेयर करना भी, अपने दुकान के सामने गाड़ियों की सेल्फ और अल्टरनेटर होते हैं वो भी रिपेयर करना स्टार्ट कर सकते हो। आपको बस एक एम्प्लॉय चाहिए होगा, इलेक्ट्रिशियन, जो सेल्फ अल्टरनेटर को रिपेयर करता हो और गाड़ी के अंदर जो इलेक्ट्रिकल फॉल्ट हो उसको रिपेयर करता हो। तो इस तरह से आप अपनी दुकान को सेटअप कर सकते हो। बाहर दुकान है जहाँ पर बैटरी सेल कर रहे हो, और आप बाहर की साइड में रिपेयरिंग का पर्सन जो आपने हायर किया और वो आपकी गाड़ियों की बैटरी भी चेंज करेगा, उसको रिपेयर भी करेगा। इस तरह की इन्फॉर्मेशन आप कर सकते हो और बहुत ज़्यादा पैसा आप कमा सकते हो इस तरह के बिजनेस से। वीडियो अच्छी लगी वीडियो कर देना लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन का बटन जरूर दबाना, और कोई भी समस्या हो तो मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो। वीडियो को शेयर जरूर करना। थैंक यू गाइस।